वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है ट्रैवल गुरु। हम आपको ले चल रहे हैं जवान मूवी का रिव्यू दिखाने, जो कि मैं कल ही मूवी ये देख के आया हूँ और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बट जब मैं सबसे पहले जब थिएटर में गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले इस मूवी को देखने वाला हूँ। यस, फाइनली जब मैंने अंदर थिएटर के अंदर जब जाने लगा तो देख रहा हूँ कि कोई भी सीट पे नहीं बैठा हुआ है, और ये सच है कि मैं अकेले इस मूवी को देख रहा हूँ। मुझे ये दिखाया गया था ऐप में कि काफ़ी ऑडियंस भरी हुई है, बट वो फेक था। वो फेक दिखाते हैं ताकि लोग उसे देख के और भी ज़्यादा बुकिंग करें। फिर भी मैंने ये मूवी देखना स्टार्ट किया। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को देखना और फिर बताते हैं इसके बारे में। सभी देशभक्तों और दर्शकों को ये जवान मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं देख के दंग रह गया कि किस तरह से मनोरंजन के माध्यम से राष्ट्रहित के बड़े बड़े मुद्दों को इस मूवी ने उठाया है। जी हाँ दोस्तों, जवान मूवी में किसानों की बात की है, जवान में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, जवान में प्रदूषण की बात की गई है, और जवान में ईवीएम की बात की गई है, और सबसे बड़ी बात जो देश के रक्षा के लिए जो सैनिक बॉर्डर पे होते हैं उनके साथ भी कितना बड़ा घोटाला होता है वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जवान मूवी में आपको एक एक वोट की ताकत की बात की गई है। शाहरुख खान की ये फिल्म कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ देने वाली है, क्योंकि फिल्म में देश हित के मुद्दों की बात की गई है जो आज के वक्त में एक आम इंसान भूलता जा रहा है, और दूसरी तरफ डेली इन ज़रूरतों के मुद्दों को चुपचाप सहता और भोगता जा रहा है। मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद आई है, और अगर आप मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं तो आप भी एक बार जाके ये मूवी को ज़रूर देखें, आपको सच में बहुत पसंद आने वाली है। जय हिंद। अगर आपको लगता है मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।